आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं राजकुमारी अमृत कौर कॉलेज ऑफ नर्सिंग एडमिशन 2021 के बारे में इसके बारे में हम जानेंगे फीस कितनी है नंबर ऑफ सीट्स एडमिशन बेसिस एडमिशन प्रोसीजर नीट रैंक रिक्वायर्ड और नीट कट ऑफ और इस साल थोड़ा सा चेंज हुआ है कि चेंज ये हुआ है कि एडमिशन अब नीट के बेसिस पर होगा इसके लिए नोटिस आ चुका है वो उसका लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा आप वहाँ से उसे पढ़ सकते हैं इसके बारे में यहाँ पर नीट के थ्रू एडमिशन हो गया है तो इस वजह से आपको घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है क्योंकि तो इस वीडियो में मैंने आपको बताया कि आपको कितनी रैंक रिक्वायर्ड होगी नीट कट ऑफ़ किया जाएगी यानी आपको कितने मार्क्स लाने होंगे ताकि आपका एडमिशन इसमें हो जाए मैंने दोस्तों बहुत ही ध्यान से कट ऑफ को बनाएं इस कट ऑफ से ज़्यादा आपकी नहीं जाने वाली है इससे नीचे नीचे ही एडमिशन हो जाएंगे इस वीडियो को आप पूरी देखिएगा इस वीडियो के अंदर मैंने अच्छी तरह बताया है कि आपको कितने मार्क्स लाने होंगे ताकि आपका एडमिशन यहाँ पर हो जाए आप चाहे जर्नल से हों किसी भी कैटेगरी से आप बिलोंग करते हों वीडियो को देखने के बाद अगर आपका फिर भी कोई डाउट रह जाता है या यदि आप हमसे कोई सवाल पूछना चाहते हो तो मैंने डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में या फिर स्क्रीन पर भी एक नंबर दिखाई दे रहा होगा आप हमें वहाँ पर व्हाट्सअप कर सकते हैं और अपने डाउट क्लियर कर सकते हैं और आपको व्हाट्सअप पर ही अपडेट मिल जाएगा कि इसके एडमिशन कब चालू होंगे करते हैं पहले पॉइंट की वो है नंबर ऑफ़ सीट्स बी नर्सिंग में जो सीट है वो है सेवेंटी और एम नर्सिंग में है ट्वेंटी प्लस वन सीट्स अब बात करते हैं इस कॉलेज में कौन कौन से कोर्स होते हैं और उनकी फीस कितनी है पहला है बीएससी नर्सिंग इसकी जो फीस है वो तेईस हज़ार है अगर आप हॉस्टल लेते हैं तो उसके हॉस्टल मिलाकर आपकी तेईस हज़ार रुपये फीस है और अगर आप हॉस्टल नहीं लेते हो तो आपकी सिर्फ छः हज़ार रुपये पर ईयर फीस लगेगी दूसरा है मास्टर इन नर्सिंग इसकी तेईस हज़ार रुपये पर ईयर फ़ीस है हॉस्टल के साथ अगर आप हॉस्टल नहीं लेना चाहते तो उसकी भी फीस छः हज़ार रुपये पर ईयर है इसकी मास्टर की और जो बैचलर की जो फीस है वो लगभग सेम ही है थोड़ा बहुत ही इसका अंतर आता है अब जब आपका एडमिशन होगा तो आपको करना क्या होगा आपको दो डीडी बनानी होगी यानी डिमांड ड्राफ्ट आपको बनाने होंगे एक होस्टल के लिए और एक कॉलेज के लिए और यहाँ पर मैथ चार्ज जो है वो पंद्रह सौ रुपये पर महीना है यानी आपको मंथली पे करना होगा मैथ के लिए आप बात करते हैं एडमिशन बेसिस की जो बीएससी नर्सिंग में जो एडमिशन होंगे इस बार नीट ट्वेंटी ट्वेंटी वन के थ्रू होंगे और जो मास्टर इन नर्सिंग में एडमिशन होंगे वो एग्ज़ाम जो कंडक्ट करवाता है कॉलेज उसके थ्रू ही इसमें एडमिशन होंगे बात करते हैं एडमिशन प्रोसीजर की कि बीएससी नर्सिंग का एडमिशन का प्रोसीजर क्या हो सकता है इसके अंदर मैंने कुछ स्टेप बताए हैं उनको आपको फॉलो करना है आग... एडमिशन के दो तरीके यहाँ पर हो सकते हैं पहला तरीका ये है कि अगर नीट एग्ज़ाम ज़्यादा लेट होता है तो कॉलेज अपने फॉर्म पहले रिलीज़ कर देगा तो आपको फॉर्म फिल करना होगा फॉर्म फ़िल करने के बाद जो उसमें नीट रैंक और नीट मार्क्स का जो कॉलम होगा वो आपको खाली छोड़ना होगा और जब आपका रिजल्ट आ जाएगा तो आपको वहाँ पर वो अपडेट करना होगा पहला तरीका ये हो सकता है दूसरा ये होगा कि आपको नीट एग्ज़ाम देना होगा उसके बाद ही कॉलेज फॉर्म रिलीज़ करेगा और एक जब आपका नीट का रिजल्ट आ जाएगा तो आपको वहाँ पर वो उसके साथ फिल करना होगा और उसके बाद आपको काउंसलिंग में आना होगा काउंसलिंग में आने के बाद कॉलेज में कॉलेज की जब काउंसलिंग होगी तो आपको कॉलेज में जाना होगा अपने सारे डॉक्यूमेंट लेकर आपको वहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरीफाई करवाने होंगे उसके बाद आपको अपनी फ़ीस सबमिट करनी होगी फ़ीस सबमिट करने के बाद आपको एडमिशन स्लिप मिल जाएगी कि आपका यहाँ पर एडमिशन कंफर्म हो गया है और जो एम एस सी नर्सिंग है उसके जो हर साल की तरह जो स्टेप रहते हैं वही यहाँ पर फॉलो होने वाले हैं आपको कॉलेज का फॉर्म फिल करना होगा उसके बाद एंट्रेंस एग्ज़ाम देना होगा मेरिट लिस्ट में नाम देखना होगा उसके बाद काउंसलिंग में आना होगा काउंसलिंग में आने के बाद आपको अपने डॉक्यूमेंट वेरीफ़ाई करवाने होंगे और फिर फ़ीस सबमिट करवानी होगी फिर आपको एडमिशन स्लिप मिल जाएगी कि आपका यहाँ पर एडमिशन कंफर्म हो गया है बात करते हैं कि आपको कितने मार्क्स चाहिए नीट में ताकि आपका एडमिशन यहाँ पर हो सके मैंने थोड़ी सी जो मार्क्स हैं थोड़े से बढ़ा दिए हैं वो मैंने इसलिए बढ़ाएँ ताकि आप थोड़ी आज ज़्यादा मेहनत करें और आपका एडमिशन यहाँ पर आराम से हो जाए लेकिन जनरल की इतनी कट ऑफ नहीं जाने वाली है आप बिल्कुल बेक ऑफ हो जाइए उससे कम ही यहाँ पर जाएगी तो जनरल में आपको चार सौ के बीच में मार्क्स लाने होंगे एडमिशन के लिए ओ में साढ़े से चार के बीच में एस में ढाई से तीन के बीच में और एस में भी ढाई से तीन के बीच में दोस्तों ये काफी एक्यूरेट मैं आपको बता रहा हूँ इससे ज्यादा आपकी नहीं जाने वाली कट ऑफ इसके अंडर अंडर ही आपका एडमिशन यहाँ पर हो जाएगा जब मैंने एडमिशन लिया था तो वहाँ पर काफी सारे स्टूडेंट ने गलती की थी जिनकी वजह से उनका एडमिशन नहीं हो पाया था जैसे डॉक्यूमेंट में गलती की हो प्रोसीजर में गलती की हो तो वहाँ मैंने वहाँ पर वो गलतियाँ नहीं की थी और मेरा एडमिशन नर्सिंग में हो गया था तो दोस्तों आपको बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है मैंने यहाँ पर आपको व्हाट्सअप सपोर्ट दिया है आप हमसे वहाँ पर भी सवाल पूछ सकते हैं और अपने डाउट क्लियर कर सकते हैं अगर आप व्हाट्सअप पर नहीं करना चाहते तो मैंने नीचे इंस्टाग्राम टेलीग्राम और फेसबुक का भी लिंक दिया है आप हमें वहाँ पर फॉलो कर कर आप हमसे वहाँ पर भी सवाल पूछ सकते हैं कोई भी छोटी छोटी दिक्कत आए आप कभी भी मैसेज कीजिए आपको रिप्लाई मिल जाएगा आज के लिए इतना ही धन्यवाद